क्यों नाना जी, क्या हुआ है सबको? सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? पायल, कैसे बात कर रहे हो नाना जी से? ऐसे बात करते हैं? अंदर जाओ। आप रुकिए, इसे बोलने दो। मेरी क्या गलती है? क्या गलती है मेरी? किसी से प्यार करना गलत होता है क्या? सबसे प्यार मोहब्बत से रहना, ये आपने ही सिखाया है। फिर यही प्यार आपको गलत क्यों लग रहा है? बोलिए। ये प्यार नहीं है बेटा, बल्कि धोखा है। मैं इस परिवार से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, यहाँ खड़े हर किसी से प्यार करती हूँ। ऐसे ही मैं उससे भी प्यार करती हूँ नाना जी। केवल वही गलत क्यों हो नाना जी? बचपन में जो भी आपने मुझे सिखाया, वही मैंने सीखा नाना जी। मुझ पर आपने विश्वास किया, मुझे जो भी पसंद होता था, सब कुछ आपने खरीद के दिया। नाना जी, अभी मेरी पसंद कादरीवन को क्यों आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं? स्कूल में अगर फेल हुई तो तुम बेटा दोबारा फिर से परीक्षा दे सकती हो। जिंदगी की परीक्षा में फेल हुई तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्यार से आप इतना क्यों डरते हैं नाना जी? प्यार करके शादी करने वाले सभी हार जाते हैं क्या? 100 में 90 लोग तो खुश होते हैं ना? मेरी पोती उन 10 में से एक ना हो, बस इसी बात का डर है मुझे। वो बहुत अच्छा है नाना जी। बहस करने के लिए कोई कोर्ट नहीं है, समझी तुम? ये जिंदगी की बात है, ये कोई मजाक नहीं है। भूख लगी हो तो खाना खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाके सो जाओ। मेरी शादी आज भी मुझे अच्छे से याद है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर एक बात कही थी। सुनो बेटा, मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी बेटी शादी करके दूसरे के घर ना जाए, इसलिए घर जमाई चाहता हूं। जब से उसका जन्म हुआ है, मैंने उसे हंसते ही देखा है। जिस दिन मैं उसके आंखों में आंसू देखूंगा, वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। यही बात मुझसे कही थी। अभी तक तुम्हें संभालते हुए आया हूं, पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू आया है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपनी लड़की को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा करूं, पर अब समझ रहा हूं एक लड़की नहीं परेशानी हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं होता कि ये अपनी लड़की है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे, पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारी लड़की है जो ऐसा कर सकती है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसा उल्टा जवाब दे रही है पिताजी को। हमने आज तक कभी भी उनसे सर उठाकर बात नहीं की, और आज इस लड़की ने पिताजी से कितनी गलत तरीके से बात की। दुनिया के लिए अपना घर एक मिसाल है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। लग रहा है वो घर छोड़ के चली जाएगी। यही तो आश्चर्य की बात है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बचपन से ही वो किसी से नहीं डरती, हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। अगर वो उसके साथ चली गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक बात का डर मुझे और लग रहा है, अगर वो कुछ खाकर आत्महत्या करना चाहे तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने उसे इतना प्यार किया, सारी खुशियां दी, आज वो हमें ही छोड़कर दूर जाना चाहती है। इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? एक सुंदर लड़की जब पीछे बैठी हो तो गाड़ी अपने आप स्पीड में चलने लगती है। जरा वो दिखो तो। इसकी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ी है, और जरा उसे देखो कहते मजे कर रही है उसके साथ।
ए, बैठ जाओ। अगर रास्ते में इसके साथ कुछ करोगे तो हमारे ही घर की इज्जत जाएगी। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो भी हो घर जाके बात करेंगे, अभी कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। अरे क्या हुआ, आप लोग कितने गुस्से में क्यों हो? अब क्या होना बाकी है, तुमने बड़ी अच्छी बेटी को जन्म दिया है। तुम्हारी लड़की मेरी लड़की ऐसा अलग होकर बोलना क्या चाहते हो? हाँ? तो और क्या बोले हम, इतना होने के बावजूद वो उसी लड़के के साथ घूम रही है, उसे हम सबसे ज्यादा प्यारा वो लगता है। चार लोगों में उसने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कैसी लड़की को पैदा किया तुमने और बोलते गुस्सा क्यों हो? पैसे कम पड़े तो मेहनत करके कमा सकते हैं, इज्जत गई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे आप लोग क्यों बोल रहे हो? माना कि मैंने जन्म दिया है पर सभी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, पर अब मुझ अकेले को दोष क्यों दे रहे हो? अब छोड़ो ये सब, जितनी जल्दी हो सके हॉस्टल से मोबलन को बुलाओ। उसे क्यों? हम इन दोनों की शादी करा देते हैं, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। वो तो आने से रहा। क्यों? ये किसी दूसरे के साथ घूम रही है, इसे मेरे बेटे के गले में बांधने की सोच रहे हो? इसके होने वाले बच्चे का बाप क्या मेरा बेटा होगा? हे, ये क्या बोल रहे हो? गलती करे कोई और मार खाए मेरा पति, ये मैं होने नहीं दूंगी। जिसकी गलती है उसे तो आपने छोड़ दिया। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है, इन्हें क्यों मार रहे हो बताओ? आप लोग अपनी हद पार मत कीजिए वरना तुम्हें पता है किससे बात करनी है, मत बोलो। अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे, जाओ बच्चों को लेके आओ। जाओ कहा ना, अब यहाँ नहीं रहेंगे। सुनो, मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहा था, मुझे गुस्सा है। मेरी बेटी इन सबका कारण है ना, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम क्यों जा रहे हो? अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, घर छोड़कर मत जाना। ठीक है, मत जाना। तुम सब एक बार बस मुझे आती है, बच्चों को बुलाओ। बेटे के बारे में बोला था, घर छोड़कर। सुनो, तुम्हारी इतनी औकात, अपनी औकात में रहना, छोड़ो मुझे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ बच्चों को लेकर चलो यहाँ से। तुम लोग भैया जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। क्या भैया, आप ही सुनिए ना भैया, तुम बीच में मत पड़ो। मुझे कैसे रहेंगे आपके बिना, वो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अरे लेके आओ जल्दी, पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, चलो चलो यहाँ से भैया, चलो जाओ ना, आओ जाओ ना भैया, घर छोड़ के ना चले जाएंगे। चलो भैया जी, रोको ना, रोको ना, तो ऐसे कैसे नहीं जा सकते। अरे भाई समझाओ इनको, बाबू जी आप ही कुछ बोलो ना, बोलो ना बाबू। पिताजी सभी जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए पिताजी, रोक लीजिए भगवान। वो सब चले गए हैं भगवान, क्या होगा। आप लोग सब घर छोड़ क्यों जा रहे हैं? ये सब मेरी लड़की की वजह से हुआ है, हम जाएंगे घर छोड़ के। आप यहीं रहो, आप मत जाओ प्लीज, ये घर बच्चों के बिना सुना हो जाएगा। मैं भीख मांगता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ है, हम जाते हैं, प्लीज मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, आप लोग कहीं मत जाओ प्लीज, पिताजी आपके बिना कैसे रहेंगे, प्लीज आप लोग कहीं मत जाओ, हम चले जाएंगे, प्लीज यहीं रहो, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, प्लीज आप मत जाओ, आप मत जाओ, चलो सब। मत जाओ भैया, हमें छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ भैया। पिताजी आपने जन्म दिए हुए सारे बच्चे सही हैं, बस मेरे जन्म दिए हुए बच्चों में ही कमी रह गई, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पिताजी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ।
जा रही हूँ पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ए, तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? रोना नहीं, रोना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें यहाँ पर सभी कोई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है बेटा। तुम्हें जन्म दिए हुए माता पिता भी तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुम तो यहाँ पर सबसे होशियार बच्चा हो। मैं सच कहूँ, तुम बिल्कुल भी रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। चलो आओ बैठो, आओ।